बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आइए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं, जो 2 महीने 3 महीने से बजा रहे हैं बांसुरी, सरगम अच्छे से बजा रहे हैं, हाई ऑक्टिव, कभी लो ऑक्टिव और मीडियम ऑक्टिव, तीनों ऑक्टिव अगर अच्छे से बजा ले रहे हैं, तो उनके लिए जो है कि जब सीख जाते हैं सरगम अलंकार, थोड़ा 2-4 तरह के अलंकार, तो उनके जो गाने जो है स्टार्टिंग में कौन से बजाने चाहिए, 2-3 इजी सॉन्ग। सबसे पहले देखिए, गाना जब शुरुआत करते हैं तो इजी सॉन्ग को सेलेक्ट करना चाहिए। ये डिफ़िकल्ट सॉन्ग को शुरू में नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। बिगिनर्स का एक अलग सॉन्ग होता है जो कि बॉलीवुड म्यूजिक में, ऐसा नहीं है कि आप हाई जो है कि गाने जो है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी सॉन्ग होते हैं जो काफ़ी कोमल स्वर लग जाते हैं या हाई ऑक्टिव ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो वहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपको जो है कि फिर गाने के प्रति जो है ना इंटरेस्ट नहीं जाएगा, फिर आपको जो है ना मन नहीं करेगा गाने वाने बजाने का, फिर आपका वहाँ से हताशा फील होगी, तो फिर आप बांसुरी को भी छोड़ सकते हैं। तो एक बूस्टर का काम करता है। आपको 2-4 सॉन्ग मैं बताऊँगा जो आपको शुरुआत में आपको अगर गाने बजाने का इच्छा है तो 2-4 गाने जो है या कोई धुन है उसको आप लोग सीखिए। पहले पहले मैं बता रहा हूँ, पहला गाना जो है अगर सीखना है तो मैं आपको बजा कर भी दिखाऊंगा। तो पहला गाना एक एक भजन है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, जब गाना जब बजता है ना, जब स्टार्टिंग में जब मैं गाना जब बजाने लगा था, 2-3 लाइनें जब निकल रहा था, तो मेरे को जैसे ऐसा लगा कि कोई मुंह में रसगुल्ला डाल दिया। मतलब क्या बताऊं कि इतना अच्छा लगने कि यार ये मेरे बांसुरी से जो है ना गाने निकलने लगे सरगम अलंकार बजाने के बाद। पहले मैं ये गाना ऐसे बजाता था, ऐसे करता था, मैं देखता था कि बज रहा है कि नहीं, अपने आप बज रहा है कि नहीं, तो ऐसे करता था ऐसे, ये नी को जो है ना ऐसे ऐसे करता था, तो मेरे को लग रहा, तो फिर कहा हर घड़ी बदल रही है, ऐसा से कर रहा था, तो अपने आप लग रहा था कि ये चीज़ हो रहा है, हर घड़ी बदल रही है। तो ऐसा मैं धीरे धीरे, तो ये गाना जब मैं ऐसे ऐसे करना था शुरू में, यार ये शब्द निकल गया तो मेरे को इतना खुशी हुआ कि कसम से मैं बता रहा हूँ कि मैं उस रात को लगभग सोया नहीं, इतनी खुशी से यार मैं गाने मेरे ये आवाज़ निकले। एक गाना था ऐसे परदेसी, परदेसी का जो है ना मैं देखा, नोटेशन देख के ही मैं यूट्यूब में, तो ऐसे बजाने लगा कि गरेसा ऐसा से, मैं तो खटके मार रहा हूँ, खटका उस समय नहीं मारता था, देखिए आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, जो बांसुरी जो सीखते हैं वो इस चीज़ को फीलिंग उनके अंदर जो है ना वो खुद बताएंगे आप लोगों को। अगर जो आप लोग जो है कि कमेंट भी कीजिएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब गाने बजा रहा था तो मतलब शुरू शुरू मैं स्टार्टिंग किया था कि चलो एक गाना बजाते हैं, जब मैं सरगम बजा लिया, बांसुरी को पकड़ना सीख लिया, थोड़ा फिंगर हो गया, तो अलंकार अभी नहीं बजा रहा था, तो जब ये गाना बजाया तो मेरे को अच्छा फील हुआ, चलो मेरे से गाने भी निकलने लगे। बस ज़्यादा टंगिंग वंगिंग नहीं करता, बस ऐसे ही बस रखता था, बस सौरभ का रखता था ऐसे, गा रे सा धासा, तो परदेसी परदेसी जाना नहीं ऐसा। धीरे धीरे मैं इसी तरह से ब्लॉक करता था। अब तो जो है कि अब तो बहुत अच्छे बजने लगते हैं, अब खटके और केट के साथ जो है, तो टॉपिक पर आते हैं। तो आपको बिगिनर्स के लिए 2-3 बताऊंगा। पहला जो है ना,
एक हरे रामा हरे कृष्णा, देखिए इसमें क्या हरे रामा हरे कृष्णा में क्या है, बस आप नीचे के तीन स्वर है ना तो उसी तीन स्वर में बज जाएगा, या ऊपर के तीन स्वर है उसी तीन स्वर में बज जाएगा, आपको छः स्वर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सबसे पहला गाना आप लोग सीखिए ईसा से। देखिए इसको लो ऑक्टिव में भी बजा सकते हैं, हाई ऑक्टिव में, मतलब कि आप धीरे धीरे भी बजा सकते हैं, मतलब ब्लो भी, मतलब कि आप लोअर ऑक्टिव बोले तो आप मंद्र मंद्र सप्तक जिसको बोलते हैं, तो इस तरह और हाई ऑक्टिव में भी। ये ठीक है, ये मैं कन भी मारा खटका भी मारा, लेकिन अगर आप 2 महीने से बजाना अब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें तो कन खटका आपको आएगा नहीं उतना अच्छे से, तो आप लोग ऐसे बजाइएगा, सिर्फ ब्लो भी कीजिएगा। या ये नीचे का हो गया, या ऊपर का, देखिए ऊपर से भी तीन तीन फिंगर तीन होल से ही बजा सकते हैं यहाँ, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ग से, लेकिन ग ये शुद्ध म, तो शुद्ध म जो है ना बिगिनर्स में क्या होता है जब बजेगा तो उतना, मतलब कि म जो है ना, म के लिए जो है ना शुद्ध म के लिए क्लियरिटी लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उतना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा साउंड, इसीलिए बोलता हूँ नीचे से अगर स्टार्ट कीजिएगा ना तो अच्छा से बजेगा तीन ही स्वर से, फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक्सपीरियंट करते रहिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा ऐसे ऐसे कीजिएगा, और कन भी सीख सकते हैं, मैं कन और खटका का एक अलग स्पेशल लेसन लाऊंगा। तो देखिए तो आप लोग बिगनर ऐसे बजाइएगा सिर्फ, ये हो गया पहला गाना आप लोग सीखिएगा। दूसरा गाना होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ये भी बहुत ईजी गाना है, आप लोग दूसरा नंबर पे इसको रखिएगा, ये गा से स्टार्ट करेंगे इस तरह। सब मैं भी शुरू शुरू बजाता था तो सिर्फ ब्लो करता था, तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग बजाइएगा जब सर स्टार्टिंग में, मैं उस तरह से बजा रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा गाना है, उसके बाद जब सीख जाएगा तो बहुत अच्छे से बजाएगा, जब सीखने के बाद उसमें एक्सपीरियंस लगेगा तो इससे बजेगा। ठीक, दूसरा गाना ये हो गया, उसके बाद तीसरा गाना है, एक प्यार का नगमा है, इस ऐसे एक पास है लोअर पास है। देखिए मैं ऐसा गाना बजा रहा हूँ जो लोअर हो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, हाई ऑक्टेव का यूज ना हो, सिंपल स्वर हो, ठीक है एकदम फ्लैट नोट हो, बोले सारे गामा इस ऐसे। देखिए तीसरा है, एक प्यार का नगमा है, ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स इसी तरह से आप बजाइएगा 2 महीने होने के बाद, सिर्फ ब्लो कीजिएगा सिर्फ बिना खटका के, फिर उसके बाद होने के बाद जो है ना इसके लेसन्स बहुत है यूट्यूब में, ठीक है। तो पहला हरे राम हरे कृष्णा, दूसरा
ए होठों से छू लो तुम, तीसरा एक प्यार का नगमा, चौथा एक धुन सीख सकते हैं। धुन में जो है कि रहना है तेरे दिल में का एक ट्यून है, बहुत सिंपल है, फ्लैट नोट है, चौथा नंबर पर उसको रख सकते हैं। इस तरह से कैसे मैं कहूँ तुझसे, तो सिर्फ आप ऐसे ब्लॉक कीजिएगा शुरू में, देखिए एकदम लाइन से जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको चाहे तो आप एक नंबर या दो नंबर पे भी रख सकते हैं, दो नंबर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये चार जो है ना, ये चार हुआ आप परदेसी, परदेसी भी पांच, ये सब पांच गाने जो है ना आप लोग सीखिए पहले, ठीक है। इसी में जो है ना आप लोग ये सीखने के बाद इसी में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कोई कन मारिए, खटके मारिए, मुरकी मारिए, जो मारना है इसी पे आप, इसी गाने पे आप सीख जाइए। ये गाने को अच्छे तरह से, पांचों गाने को अच्छे तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर अगला गाना पे सीखें, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक कि बिगिनर्स जो है अगर दो महीने तीन महीने से बजा रहे हैं तो शुरू में बूस्टर लाने के लिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए ये गाने, तीन चार गाने जो है ना आप लोग सिलेक्ट करके सीख सकते हैं। चलिए यही था, अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब का बटन दबाने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए।